और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पंचायत चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन वार्ड नंबर 7 से जिला पंचायत प्रत्याशी प्रेम सिंह विपिन ने सुल्तानपुर जिला पंचायत परिसर में भरा नामांकन पत्र। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन भी जिला पंचायत परिषद में जिला पंचायत सदस्यों के नामांकन करने वालों प्रत्याशियों की भीड़ लगी रही। लोग अपने अपने क्षेत्र और वार्ड से अपना नामांकन पत्र दाखिल करके बड़े उत्साहित दिखाई दिए। इसी कड़ी में आज वार्ड नंबर 7 से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी प्रेम सिंह विपिन ने भी अपना नामांकन करके चुनावी घमासान में अपना भाग्य आजमाने अपने क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए मैदान में उतरे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रेम सिंह विपिन ने बताया कि उनकी सर्वप्रथम प्राथमिकता वार्ड नंबर 7 के समस्त मतदाताओं को उन मूलभूत समस्याओं को दूर करना है जिससे वार्डवासी प्रतिदिन 2-4 हुआ करते हैं। अपने क्षेत्र के प्रत्येक लोगों तक केंद्र सरकार और सूबे की योगी सरकार की विभिन्न परियोजना प्रकार की जन उपयोगी स्कीमों को घर घर पहुँचाएंगे। साथ ही साथ कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए लोगों को सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप कार्य करने और उन्हें इस भयावह महामारी से बचने के लिए लोगों को प्रेरित भी करेंगे। प्रेम कुमार सिंह विपिन, वार्ड नंबर 7, जिला पंचायत पर प्रत्याशी। आप अपने वार्ड नंबर 7 के जितने भी मतदातागण हैं उनसे आपको क्या आश्वासन मिलता है, आप जब उनके द्वारा जाते हैं और आप उनके लिए क्या क्या योजनाएं लाने के लिए? मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने गांव और अपने क्षेत्र में ले आने की पूरी कोशिश करूंगा और उसको लागू करवाने की पूरी कोशिश करूंगा अपने जिला पंचायत क्षेत्र में। अच्छा, आज आप यहाँ पे आए हैं, पर्चा दाखिला कर रहे हैं, आपको किस प्रकार की सुविधा मिली या असुविधा मिली, उस पर आपको कुछ कहना है, रिएक्शन है? अभी असुविधाओं को तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे कोविड का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है और मास्क सैनिटाइज़र बिल्कुल यूज़ नहीं है। कुछ जो अवेयर हैं लोग वो अपना मास्क और सैनिटाइज़र यूज कर रहे हैं, बाकी प्रशासन की तरफ से यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं हैं। मैं प्रशासन से निवेदन यही है कि अगर इतने बड़े चुनाव की तैयारी कर रही है तो यहाँ पे मास्क और सैनिटाइज़र की व्यवस्था भी हो और लोगों को जागरूक भी कराए। अच्छा, कोरोना को देखते हुए जो लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लाखों लाख डेली बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है और उसके साथ ही साथ धारा 144 भी लागू है जिसके अंतर्गत 4 से 5 लोग से ज़्यादा चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं, तो आप किस प्रकार अपनी बातों को अपने प्रतिनिधि अपने वोटरों तक पहुंचाते हैं? हमने छोटी छोटी आदेश हमने भी पढ़ा और देखा और छोटी छोटी टोलियां हमें 2 लोगों को 3 लोगों की एक गाड़ी में 3 लोगों से ज़्यादा हम खुद ही अलाउ नहीं कर रहे हैं और लोगों को अपने कार्यकर्ताओं को अवेयर कर रहे हैं कि 2 से 3 लोग एक साथ अलग अलग लोगों के पास मिलें, एकत्रित भीड़ एकत्रित ना करें जिससे कोविड का खतरा बढ़े और अवेयर रहें और अवेयर कराएं अपने क्षेत्रवासियों को। अच्छा, ये जब मतदेय स्थल जहाँ पर मतदान होगा वहाँ पे जब मतदातागढ़ जाएंगे तो वहाँ उनको कोरोना से बचाने के लिए या कोरोना को फैलने के लिए आपके तरफ से कोई उचित व्यवस्था की जाएगी? हमारी तरफ से उचित व्यवस्था ये है कि 200 मीटर दूर हम अपने एक मास्क वितरण और सैनिटाइज़र, जो मतदान केंद्र है उससे 200 मीटर दूर मास्क वितरण और सैनिटाइज़र सभी जो मतदान करने जाएंगे उनको उपलब्ध कराएंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो जाए होगी हमारी तरफ से उसमें प्रशासन के सहयोग से उसको वितरण किया जाएगा। ऐसी ही बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।